हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो अभी तक आपने देखा पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी टॉपिक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन आज के टॉपिक का लास्ट है, पॉल्यूशन टॉपिक का ये लास्ट चैप्टर है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉल्यूशन, या ये कंट्रोल ऑफ, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ओके, तो इसको आगे बढ़ सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन। तो इट कैन बी डिफाइंड एज लाउड एंड डिस्टर्बिंग साउंड दैट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसे लाउड और डिस्टर्बिंग साउंड के रूप में इसे डिफाइन किया जा सकता है। ये ह्यूमन बींग्स के हेल्थ पर एडवर्सली, ह्यूमन बींग्स हेल्थ को वह एडवर्सली अफेक्ट करता है, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज एंड यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज डेसिबल, डीबी। साउंड की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में यानी एसजी में मेजर किया जाता है, एंड यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज डेसिबल, और साउंड के यूनिट को डेसिबल से इंडिकेट किया जाता है, यानी डीबी, यानी कि डेसिबल। एक कॉमन पर्सन का साउंड लेवल क्या होना चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो पहले इतना समझ लीजिए कि साउंड लेवल को हम लोग डेसिबल में, यूनिट में इंडिकेट करते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हर्ट्ज में। नॉइज लेवल ऑफ 120 डीबी कॉजेज ए डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमंस। नॉइज लेवल जो होता है 120 डीबी यानी डेसिबल, 120 डीबी का नॉइज लेवल ह्यूमन बींग्स में डेसिबल ह्यूमन बींग में प्रतिकूल प्रभाव करता है, या ये कहे कि ह्यूमन मानव जो होता है 120 डीबी के नॉइज लेवल को अच्छे तरीके से सहन नहीं कर पाता है, वो उसके लिए असुविधा उत्पन्न करता है। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परमिटेड जोन वाइज नॉइज लेवल एच। अच्छा, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो किस किस जोन में कितने डेसिबल का परमिशन देता है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, आपने देखा नॉइज पोल्यूशन, ये हुआ व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैसे मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, एंड यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज डेसिबल यानी कि डीबी। नॉइज लेवल ऑफ 120 डीबी कॉजेज डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डिस्कम्फर्ट के कॉजेज क्या है, 120 डीबी नॉइज लेवल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परमिटेड जोन वाइज नॉइज लेवल एज। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस जोन में कितने नॉइज लेवल यानी कि होना चाहिए उसका परमिशन कैसे देता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, यह लिखा हुआ जोन डे 6 to 21 आवर्स, नाइट 20 to 6 आवर्स, यानी कि जोन डे में एक दिन में 6 बजे से 21 बजे तक, फिर रात में 21 से 6 बजे तक। तो 6 से 21 में बता दूँ, 6 से 21 का मतलब क्या होता है, 21 मतलब 9 बजे, और ये 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड साइलेंट जोन। तो 6 से 11 में इंडस्ट्रियल जोन में 75 डीबी नॉइज हो सकता है, जबकि नाइट में 70, कमर्शियल में
डे में 65 डीबी होना चाहिए और नाइट में 55 है। रेसिडेंशियल में यानी कि आवासीय एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ दिन में 55 डीबी लाउड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और रात में 45 डीबी। साइलेंट जोन में 50 डीबी और इसमें 40 डीबी। ओके, साइलेंट जोन का मतलब क्या होता है? जहाँ ऐसी है कि यहाँ यदि कोई बीमार रहता हो, अस्पताल वगैरह, ये सब इसके कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है? साउंड एम्पलीफायर है, ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, क्रैकर्स बर्स्टिंग इत्यादि। ओके, तो ये सारा था सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन के स्रोत क्या हैं, कैसे नॉइज पोल्यूशन स्प्रेड करता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है? इट इफेक्ट्स हार्ट बीट एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। ओके, यह हार्ट बीट और पेरिफेरल सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इट कॉजेस स्लीपनेस एंड हेडेक, यह अनिद्रा और सरदर्द का भी कारण होता है। क्या? इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन से अनिद्रा और हेडेक की बीमारी हो सकती है। इट कॉजेज इरिटेबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड कॉग्निशन इफेक्ट्स, यह चिड़चिड़ापन, भावनात्मक अशांति और जननांग प्रभाव का कारण बनता है। इट इफेक्ट द कंसंट्रेशन इन वर्क एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इट कॉज डैमेज टू ईयर ड्रम, या ईयर ड्रम को भी डैमेज कर सकता है। इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग और श्रवण आदित में, यानी कि वो सुन भी नहीं सकता है। इन सम बर्ड्स एग लेइंग गेट्स डिस्टर्ब ड्यू टू हाई नॉइज पोल्यूशन। कुछ पक्षियाँ ऐसे हैं, सम बर्ड्स ऐसे हैं जो हाई लेवल साउंड पोल्यूशन के कारण अंडे देने में भी वो डिस्टर्ब होते हैं। ओके, तो ये रहा इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले साउंड प्रूफ जैकेट, फिल्टर मस्ट बी यूज्ड फॉर मशीन टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम देम। ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबसे पहले कि साउंड प्रूफ जैकेट होना चाहिए, जहाँ मशीनरी जो यूज किए जाते हैं, मस्ट बी यूज्ड फॉर मशीन टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम देम। इंडस्ट्रियल वर्कर, चलिए कंट्रोल, साउंड प्रूफ जैकेट होना चाहिए, रिड्यूस नॉइज, जो नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करे। इंडस्ट्रियल वर्कर एंड ट्रैफिक कंट्रोल पर्सन मे यूज ईयर मफ्स। ईयर मफ्स यानी कान को जो ढके रहता है, उस तरह के एक ऐसे ईयर मफ्स को यूज करना चाहिए। किसको, किसके लिए ये विशेष रूप से है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड ट्रैफिक कंट्रोलर जो पर्सन होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके पास एक ईयर मफ होना चाहिए। देयर शुड बी साइलेंट जोन अराउंड 100 mm एरिया ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल। साइलेंट जोन जो है 100 mm एरिया ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल के एरिया को जो कहते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल के 100 मीटर के एरिया को एकदम से साइलेंट जोन में रखना चाहिए। ग्रोइंग डेंस हेज ऑफ प्लांट्स अराउंड रेसिडेंशियल एरिया एक्ट एज नॉइज बैरियर, ग्रीन मफलर। ओके, इसको ग्रीन मफलर कहते हैं, यानी कि जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके चारों तरफ ग्रोइंग डेंस हेज ऑफ प्लांट्स, यानी घनी पेड़ पौधे प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि वो नॉइज पोल्यूशन का बैरियर बन सके, उससे हम उन नेचुरल सोर्सों को ग्रीन मफलर के रूप में यूज कर सकें। इफ़ॉर्ट मस्ट बी मेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द हार्म ऑफ नॉइज। नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल लॉ शुड बी फॉलोड एंड डिसेबल मीटर शुड बी इंस्टॉल टू मॉनिटर लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ओके,
इसमें क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को नियंत्रण कानून का पालन किया जाना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए डेसिबल मीटर लगाए जाने चाहिए, यानी कि इस नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल क्या चल रहा है इसके लिए एक डेसिबल मीटर भी लगाना चाहिए। ओके, तो ये था आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, वो था नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एंड सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, तो आप समझ गए कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, ये फैलता क्या है, कैसे है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो इसी के साथ आज का पोल्यूशन चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मैं फिर से पोल्यूशन रिगार्डिंग जो MCQ क्वेश्चन है विथ आंसर उसको लेकर आऊँगी, आप देखना ना भूलें, आप वेट करें, पढ़ाई करते रहें, हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं आपसे इस बेनिफिट है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक हम फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।